Z5 ऐप डाउनलोड करी और देखी पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। कभी कभी तो हमरा के ई लगता है कि जैसे मेरा हाउस के सब लोग पे दादी माँ को भार बानी। पर दादी माँ भार नहीं बाड़ी, बुजुर्ग तो घर के शान हो खेले। बिल्कुल सही कहला गीर, दादी माँ के आज उहे रिस्पेक्ट और उहे सत्कार मिली है जकरो सच में हकदार बानी है। और आज से दादी माँ इहे पर बैठ के खाना खाइल करी है। आपन फैसला तो सुना देला मल्हार। वैसे भी जब से तू गीत के देखले बारा ना, तू तब से आपन फैसला तो सुना रहा बारा, लेकिन काम तोरा से को बात पूछ सकते हैं। शकुंतला मेहरा के यहाँ लावे के फैसला तोहार आपन बा। आप मल्हार ब्रो के का पूछत हैं बड़का मामा जी? हम बतावत हैं ये फैसला तो का मल्हार ब्रो के केहू भी फैसला आजकल उनकर अपन फैसला होखत ही नहीं बा। मल्हार ब्रो के ताप जोन गीत कह देली, मल्हार ब्रो ना बस आगे आके उहे बात के बता देवेला सबके। गिन्नी टॉक प्रॉपरली, तू शायद ये बात भूल रहल बानी कि हम तहार बड़ भाई बानी और गीत तहार भाभी। हमके सब याद है मल्हार ब्रो, और एकर साथ साथ हमके इहो बात याद बा कि आजकल आप बस एक गीत के बोली बोलत हैं। अगर आपके हमार बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं की बाना तो फैमिली के कोना भी मेंबर से पूछ ली, बस कही है वो लोग भी ये बात। हाँ गिन्नी, हम बिल्कुल गीत के बोली बोलता नहीं, हम उकरा डिसीजन में सपोर्ट करता नहीं। और ये बात तू भी घर के केहू भी आदमी से पूछ के देख ला कि गीत कुछ गलत नहीं के बोलता नहीं। और दादी माई घर में सबसे बड़ बानी तो उनका के घर में हेड वाला कुर्सी पर बैठे के अधिकार बा। वैसे भी डाइनिंग टेबल पर ना दो कुर्सी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होखेला, एक पर तबाऊ जी बैठल बानी और उनका सामने वाला कुर्सी पर दादी माँ की बैठे के चाहिए। चला कोनो बात ना, पहले सब लोगों के ब्रेकफास्ट करे था मल्हार, बाद में बैठ के बात पर डिस्कशन करा थे। इमें डिस्कशन वाला का बात बचाचे जी, दादी माँ यहाँ आ ही गई नहीं तब यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करी है। दादी माँ आई आप। दादी माँ आज से आपके यह जगह बा, आप यह पर बैठ के ब्रेकफास्ट करल करें। यो ठीक बा मल्हार, मम्मी यहाँ पे बैठी हमने के कोनो एतराज नहीं की बा। जब ई घर की बहू बेटी यहाँ पे हैं तो गीत कियो के लिए मम्मी जी के यहाँ पे लेके आवे वाली तो के ना पता रूबी, बेटी बहू तो सबके घर में हो खेली, घर के रानी कहा अगली के। पर पटरानी पटरानी कहू के हो घर में हो खेला, और मेरा उसमें था एक बार भगवान बहुत कृपा कही बड़े कि गीत ढोली के एक घर के पटरानी बना के भेज दे ले। और पटरानी एक घर के नियम कानून के मंगे चाहे ना माने, ये ना माने ली प्रेकर के काला गद्बा कि घर के नियम के कानून के उल्टा सीधा करत रही और हमने चुपचाप देखत रहा। बस कर कम्मो, ये जरूरी ना कि तू गीत के हर फैसला के गलत ही साबित करे के पीछे लगल रहलू। ई तो सोचा कि गीत का फैसला केले बानी। वाह ला देखनी छोटी भाभी देखनी, उनके तो लगत बा शायद डायमंड भाई साहब के पटरानी के राज भी अच्छा लगे लग गई। गीत के राज करे के तो कोनो बात ही ना कम्मो, लेकिन हमरा की गीत की फैसला कोनो गलत ना लगेला। लेकिन हम गीत के एक बात जरूर कहब, बेशक गीत ही सही फैसला बहुत जल्दबाजी में कहले बानी, लेकिन गीत के ही फैसला करे से पहले जेके भैया के इजाजत जरूर ले लेवे के चाहत रहे। इजाजत पर काहे चाचा जी, हम कौन सा गलत काम के लिए हैं? आपके परिवार बहुत नाम बाना आपके इस शहर में, क्योंकि पता चले कि ये घर के बुजुर्ग के उनकर बच्चा से इज्जत नहीं मिलेला तो आपका परिवार के नाम ऊंचा ना नीचा हो जाए। घर के सबसे बड़ लोगन के खाना खुआवे खातिर इजाजत लेवे के पड़ी, हमके नहीं खिला गेला चाचा जी। इस जरूरी नहीं के गीत
कि जोन तोरा के सही लागे वही सही होई। अगर तोरा बड़ा लोगन के सत्कार के इतने ख्याल बा तो तोरा के ई भी याद रखे के चाहिए कि हम भी तोरा से बड़ हैं और हमार भी कोनो उसूल हैं। तू ई घर वालन से पूछ सकत रहलू, हम इतना साल से शकुंतला मेहरा के साथ में ई टेबल पे बैठ के कभी भी ब्रेकफास्ट ना कर ले हैं। फिर का हो गेल पापा जी, असूल ही बा तो जोन असूल गलत होके उनका के तोड़े में का बुराई बा? आप भी अपन गलत उसूल तोड़ दी पापा जी और दादी माँ के साथ बैठ के खाना खाएं। नागीत जेके मेरा के उसूल इतना कच्चा नहीं खे, हम अपन उसूलन के टूटे ना देब। हम आज भी शकुंतला मेहरा के साथ में ई टेबल पे बैठ के खाना ना खाई और ना ही यहाँ शकुंतला मेहरा बैठी, और इतना साल से ई अपन कमरा में बैठ के ही खाना खात रही और आगे भी यह हुई। पापा जी आप ऐसा काहे कर रहे हैं, दादी माँ भी तो आपकी मम्मी जी है ना, तो उनका साथे बैठ के खाना खाए में का बुराई बा? तू एक खातिर कह रहा बड़ू कहे कि तोरा मेहरा हाउस के बारे में कुछ भी पता नहीं थे। अगर ये उसूल हम खुद बनाए होती तो शायद हम दोबारा सोच भी लेती। ये उसूल हमारे पापा जी बनाए हैं और शकुंतला मेहरा के परिवार में बैठे के हक कबो ना दिले बा, तो तू कैसे दे सकेलू? माफ करी पापा जी, पर टाइम के साथ ना बहुत कुछ बदल जाला। हमने की पहले जौन होखत रहे, सती प्रथा भी तो चलत रहे ना, और विधवा ब्याह ओ करी मना ही रहे। पर लेकिन अगली पीढ़ी के लागल कि ये बात गलत बा तो उलोगी रिवाज बदल दे ले। आप भी अपन पापा जी के बनाए उसूल के तोड़ दी पापा जी, दादी के साथ बैठ के खाना खाएं। वाह गिडोली वाह, पहले तो तू सिर्फ बड़ भाई साहब से उलझत प्रत रहे लू, और अब पापा जी के फैसला के भी उल्टा करे लग गई लू। बहुत हिम्मत बताहर हाँ, बहुत हिम्मत बा। Z5 ऐप डाउनलोड करी और देखी कुल एपिसोड एकदम फ्री।